इंदौर की विजयनगर पुलिस ने पर्ची कंपनी खोलकर वाहन अटैच कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से कुल 1 करोड़ रुपए के 12 चार पहिया वाहन भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि विजयनगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर एक फरियादी नरेंद्र कुमार के द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई कि लोकेश और प्रवेश के द्वारा उसे कंपनी में गाड़ी अटैच करने के नाम पर गाड़ी का एग्रीमेंट करा लिया गया, लेकिन अब तक कोई भी गाड़ी का किराया नहीं दिया गया और वहीं काफी समय से गाड़ी भी गायब है। पुलिस ने शिकायत पर जांच की तो पता चला ऐसे ही मामले में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोगों के साथ ठगी हुई है और पुलिस ने पूरे ही मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी लोकेश प्रवेश के साथ उनके 2 साथियों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपने 2 साथियों का नाम भी बताया, जो गिरवी रख देते थे वाहनों को और पैसे लेकर फरार हो जाते थे, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन आरोपियों से 12 चार पहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं और फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है।